Hey students, I'm back with the modals. Modals are the words which express the mode or manner of the action denoted in the principal verb. Okay. यानी कि जो बोलने वाला है वो किसी काम के बारे में बात कर रहा है ना, तो उस काम के बारे में वो किस अंदाज में बात कर रहा है, क्या वो ऑर्डर दे रहा है या वो प्लीड कर रहा है, इस तरह की बात को जो शो करता है ऐसा वर्ड जो है वो मॉडल है और मॉडल है. लेट्स टेक वन एग्जांपल. यू कुक फूड, तुम खाना पकाओ. यू कैन कुक फूड, तुम खाना पका सकते हो. यू मे कुक फूड, प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है. हाँ, तुम खाना बना सकते हो, नहीं भी बना सकते हो. यू विल कुक फूड, तुम खाना बनाओगे. यू शुड कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना चाहिए. तो कैन, मे, विल, शुड, वो स्पीकर किस मूड में बात कर रहा है काम के बारे में वो शो करता है ये मॉडल वर्ब्स. नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज मे. मे इज़ यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी और टू टेक और गिव परमिशन. वी यूज मे और टू विश और प्रे वी ऑल्सो यूज MAY मे. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. मे God bless you. In this sentence, we are wishing or praying. May I come in? In this sentence, we are seeking permission. It may rain today. In this sentence, it is showing possibility that it may rain today. हाँ, आज बारिश हो सकती है. पक्का नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकती है. The next modal verb is might. It is the past form of may only. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी. अगर पॉसिबिलिटी, कोई चांस जो है उस काम के होने का वो कम है तो माइट यूज़ करेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा है तो मे यूज़ करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस अ गेस. कोई अंदाज लगाते हैं हम लोग, अंदाज़ा लगाते हैं तो वी यूज़ माइट. माइट बी कि माई आंसर वुड बी करेक्ट. तो जहाँ पे गेस करें, पक्का पक्का नहीं है, तो माइट यूज़ करते हैं. For example, he might help us. वह शायद हमारी मदद करे. That might be Rohit. वो रोहित हो सकता है. My answer might be correct. मेरा आंसर शायद करेक्ट हो सकता है, सही हो सकता है. तो जहाँ पॉसिबिलिटी है लेकिन पूरा यकीन नहीं है, वहाँ पर हम लोग might use करते हैं और may use करते हैं जब possibility थोड़ी ज़्यादा है. Next modal verb is shall. Shall is used with the first person to ask for suggestion, request, advice. Let's take some examples. Shall we start the class? Shall we open a new shop? क्या हम start करें class? यहाँ पे suggestion लिया जा रहा है, यानी कि राय ली जा रही है कि start करें class कि नहीं करें. तो advice, request, ये सारे चीज़ को लेने के लिए वी यूज़ शैल. नेक्स्ट इज़ शुड. शुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल. इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन और टू शेयर वंस ओपिनियन और टू गिव और टेक एडवाइस और सजेशन. सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. वी शुड नॉट बी लेजी. हमें आलसी नहीं होना चाहिए. We should respect our elders. हमें बड़ों का आदर करना चाहिए. You should complete your work on time. तुम्हें अपना काम समय पे पूरा करना चाहिए. तो यहाँ पे suggestion दे रहे हैं, अपना opinion दे रहे हैं, advice दे रहे हैं should use करके. That's all for today. Goodbye.